हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बरेली की ब्लॉगर सोनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज है जन्माष्टमी वाला दिन। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कान्हा जी आप सभी पे अपनी सदा कृपा बरसाए रखें, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। कान्हा जी से आशीर्वाद दीजिए और ज़ोर से बोलिए राधे राधे। तो हमारे यहाँ तो जन्माष्टमी होती नहीं है, इसलिए मैं ना तो व्रत किया ना कोई पूजा पाठ का कुछ काम हो रहा है। तो मैं यहाँ बना रही हूँ आलू के परांठे। इसके लिए मैंने आटा ले लिया, उसमें नमक और ऑयल डाल के थोड़ा सा इसे अच्छे से गूंथ के रख दूँगी। आलू एक साइड में मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं। जब तक आलू उबलेंगे तब तक मेरा आटा तैयार हो जाएगा, इससे बनाएंगे हम आलू के परांठे। और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और किस किस के घर जन्माष्टमी नहीं होती ये भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और शाम के टाइम में देखिए जाएंगे जन्माष्टमी की झांकियां देखने, कहां कहां कैसी लगी हुई है। हमारे इधर साइड में आलू उबल चुके थे, दो सीटी आने के बाद मैंने स्टीम निकाल दी है। अब आलू को छील के अच्छे से इसे फ्राई कर लूँगी। तो फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, गैस पर रख के गर्म कर ली है। उसमें मैंने हींग डालकर तेल डाला, फिर हींग डाल दी है और अब आलूओं को साबुती ऐसे डाल दिया है। अब इसमें मैंने नमक गरम मसाला डाल के अच्छे से भून लूँगी थोड़ा सा क्रिस्पी सा होने तक। अब मैंने इसमें धनिया पाउडर लाल मिर्च ऐड कर दिया है। अब इन आलूओं को एकदम भरता सा बना लेंगे, क्योंकि हम यदि थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेते तो थोड़ा करारापन आ जाता है जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अब इसमें मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दी है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारे आलू की पिट्ठी तैयार हो गई है आलू के परांठों के लिए। आटा मैं पहले से गूंथ चुकी थी, अब चलिए बनाते हैं आलू के परांठे। और इन्हें चाय, उधर साइड में मैंने चाय भी रख दी है बनने के लिए। ये परांठा मेरा सीख चुका है और चाय भी अभी लगभग तैयारी हो चुकी है बस। तो आइए आप भी खाइए गरम गरम आलू के परांठे और चाय। और ये हो गई तैयार आलू का परांठा, चाय और बटर। तो मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको। फिर शाम के टाइम में हम गए थे मंदिर, क्योंकि मेरे घर तो होती नहीं है। ये दूसरे वाले मंदिर गए थे तो वहाँ पे थोड़ा डेकोरेशन हुआ हुआ था। ये देखिए ये पहाड़ से बना रखे थे, झरना बह रहा था, अच्छा लग रहा था काफ़ी देखने में। ये एक राधा कृष्ण की मूर्ति रखी हुई थी, ये भी अच्छी डेकोरेशन करी हुई थी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।